नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैव धीरज है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं क्लाउड किचन के सब्सक्रिप्शन मॉडल की। हम लोग बात करेंगे सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होता है, किन्हें इस सब्सक्रिप्शन मॉडल को स्टार्ट करना चाहिए, और दूसरी ये वीडियो मैं अवेयर करूंगा आपको जो इस समय करंट मार्केट में क्लाउड किचन की कंसल्टेंसी या कोर्सेज के बारे में चल रहा है। अगर आपका जो एज ग्रुप 18 साल से लेके 30 साल तक है और वो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं अपनी फूड इंडस्ट्री में, कोई भी स्पेशली क्लाउड किचन में, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस समय ये ऐसी एज है जहाँ पे कि हमें बहुत ज़्यादा इस फील्ड में पैसा नज़र आता है, पर लास्ट में हमारे हाथों में कुछ नहीं आता क्योंकि हमें अवेयरनेस इतनी होती ही नहीं है। पहले बात करेंगे हमें सब्सक्रिप्शन मॉडल होता क्या है। जब भी कोई कस्टमर हमें वीकली, मंथली या किसी भी तरीके से एक पैकेज हमसे लेता है खाने के लिए और वो हमें पे करता है, हम उसे फूड पे करते हैं, तो वो हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल कहलाता है। जिस तरीके से हम लोग एक टाइम टेबल बना लेते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, और उसमें पर डे हम उनको अलग अलग प्रकार का खाना देते हैं। खाने से मेरा मतलब यहाँ पे एक थाली जैसा ही सिस्टम आप लगा लीजिए, जिसमें कि कई सारी चॉइसेस हो सकती हैं आपकी। इंडियन भी आ सकता है, चाइनीज़ भी आ सकता है, आपका हेल्थी फूड भी आ सकता है, घर जैसा खाना आ सकता है, या जो भी आपकी चॉइसेस हो, या आप जो भी अपने कस्टमर को देना चाहते हो। ये मॉडल उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अपने घर से दूर रहते हैं, कहीं हॉस्टल्स में रहते हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करता है, या आपका घर में खाना बनाने का दिल नहीं करता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मॉडल है। वो अपने क्लाउड किचन या जिसके भी क्लाउड किचन से चाहे वो वहाँ से खाना ले सकते हो। दूसरा, जो भी इस मॉडल को चला रहा है उसका ये फ़ायदा होता है कि वो उसे जो भी खाना आता है वो मंथली तौर पे उससे अनुबंध कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है अपने क्लाइंट से, और वो उनको मंथली सर्व कर सकता है, वीकली सर्व कर सकता है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, आप अपने घर से भी ये सब्सक्रिप्शन मॉडल चला सकते हो। सब्सक्रिप्शन मॉडल चलाने में बेसिक फंडा यही है कि आपको एक मेन्यू रेडी करना होता है, और मेन्यू में आपको कई सारे इसमें आप मॉडल्स डाल सकते हैं। उससे पहले जो बेसिक चीज़ें होती है खाने की, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी खाना हम जब भी किसी को सर्व कर रहे हैं तो उसमें हमारा प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन आपका नॉनवेज में भी हो सकता है, अगर आप मांसाहारी हैं आप फिश दे सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन चाप होती है, सोया की सब्जी होती है, पनीर होता है, ये सारे आइटम आप वेज में प्रोटीन के तौर पे दे सकते हैं। उसके बाद हमें कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको कि हम लोग स्टार्च बोलते हैं, ये आप रोटी, चावल, पास्ता या कोई भी स्टार्च वाले आइटम हो गए उसमें हम लोग कस्टमर को देते हैं। इसके बाद जो विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, वो हमें सब्जी में मिलता है, और लास्ट में हमारे फैट हम घी, बटर के तौर पे ऑलरेडी अपने खाने में डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर आना चाहिए या हमारी एक थाली के अंदर आना चाहिए। पहले इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग टिफ़न सर्विस भी बोलते थे, हम लोग घर से थालियाँ जो सर्व करते थे वो भी होते थे, पर अब इसको एक नए तौर पर आप लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल पर क्लाउड किचन मॉडल में भी जाके आप लोगों को दे सकते हैं। आप इसके लिए भी स्विगी, जोमेटो से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट अपनी छोटी सी एक वेबसाइट बना के, अपना ऐप बना के, या बस व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू भी लोगों तक अपना खाना पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर होता यही है कि आपको जो भी आता है आप उस तरीके का एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाइए उस खाने का और लोगों को सर्व कीजिए। इसमें आप तीन मॉडल रख सकते हैं, जैसे कि एक सिंपल आप बोले, अगर हम लोग सिर्फ इंडियन खाने की बात करें तो आप सबसे मॉडल में अपनी तीन रोटियां रख सकते हो, एक सब्जी रख सकते हो जो कि आप महीने भर अपने कस्टमर को दोगे या 26 दिन दोगे। दूसरे में आप अपनी थोड़ी सी, आप बोल दीजिए, आप प्रीमियम दे सकते हो जिसमें कि आप अपनी दाल भी ऐड कर सकते हो, चावल भी ऐड कर सकते हो, अपने पनीर के आइटम भी ऐड कर सकते हो। इसमें अगर आपको नॉनवेज डालना है तो आप पनीर हटा सकते हो, या फिर आप दोनों चीज़ भी रख सकते हो। इसके बाद अगर आप जब एक्स्ट्रा प्रीमियम या कुछ और नाम से उस मॉडल को चलाना चाहते हो, उसमें आप अपने डेजर्ट भी ऐड कर सकते हो, अपना सलाद भी ऐड कर सकते हो, या फिर कोई अपना ड्रिंक भी ऐड कर सकते हो। तो इसमें होता क्या है कि आपके पास एक ही बार में जो अमाउंट है पूरा कस्टमर का आपके पास आ जाता है, क्योंकि कस्टमर को यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल में मंथली या वीकली पे करना होता है, जबकि स्विगी, जोमेटो पे आपको खुद भी काम करना पड़ता है, कोई मैन पावर भी रखनी पड़ती है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी बच जाती है। तो अगर आप घर से भी काम करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन मॉडल आपके लिए भी बहुत ही अच्छा है। अब मैं बात करूंगा अवेयरनेस की। अभी कई सारे वीडियोस ऐसी बन रही है जो कि अपने स्पेशली अपने नीचे लगा के रखते हैं टाइटल क्लाउड किचन कोच, तो उनकी मैं कुछ यहाँ पे और यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा। ये उनकी वो वीडियो है जो आज से ये 5-6 महीने पहले बनाते थे, जिसमें लोगों को वो सिखाते थे कि पबजी से पर दिन 2000 कैसे कमाएँ, बिना पबजी खेले 20,000 कैसे कमाएँ,
वंडर वुमेन गर्ल से आप पैसे कैसे कमाएं, किसी लड़की की फोटो लगा के ये लोग कमाते, टिकटॉक से पैसे कैसे कमाएं, आपको मोबाइल मार्केटिंग सिखाते थे और अब आपको ये क्लाउड किचन बेचना सिखा रहे हैं। अब इन्होंने एक मॉडल और भी अपना लिया है। आप देखेंगे कभी भी ये अपने वीडियोज़ में आप लोगों को ये नहीं बताते कि हम लोग अपना कोर्स सेल कर रहे हैं। आपको ये अपनी वेबसाइट, क्योंकि इनकी वेबसाइट भी नहीं है, ये आपके आपको अप्रोच करने के लिए बोलते हैं, फिर आपको ये अपने वेबिनार्स में बुलाते हैं और वेबिनार के थ्रू आपको ये अपनी चीज़ें सेल करने की कोशिश करते हैं। अब हो सकता है कि जो चीज़ आपको 5,000 में बेची जा रही हो, किसी को वो 50,000 में बेची जा रही हो या फिर 1.5 लाख में बेची जा रही हो। जी हाँ, हर किसी का यहाँ पे अलग तरीके से इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो यही है, लोगों को किसी भी तरीके से वेबिनार पे बुलाए। क्योंकि अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का भी देखेंगे, वो खुलेआम बोलते हैं कि मेरे कोर्सेज हैं 36,000 के, हम कोर्सेज हैं, जो कि उन्होंने एक तरीके से ओपनली रखा है। यहाँ ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं किसी को नहीं चाहता कि वो अपनी चीज़ें बेचें, पर ओपनली आप लोग डिस्क्लोज कर दें अपनी चीज़ें कि भाई मैं अपने आइटम इतने में बेचता हूँ, मेरी सर्विसेज ये है। तो इससे होगा क्या कि यही होगा कि जो भी आपकी क्लैरिटी आ जाएगी, आप जो भी सामान बेचना चाह रहे हो। दूसरा, ये लोग अभी आपके पास, अगर आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या इनके इनके क्लाउड किचन के ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, वहाँ पे अगर आप हो तो आपके नंबर्स लेके आपके नंबर्स पे कॉल भी करी जा रही है, जहाँ पे बोला जाता है कि मेरे क्लाउड किचन गुरु ने मेरे इतना अच्छा बिजनेस सेटअप करा दिया है, आप भी उनसे अपना सेटअप्स करवाइए, आप भी उनके से उनसे कोर्सेज लीजिए। तो आपको ये एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि अपनाई जा रही है। ये मेरे किसी एक स्टूडेंट तो नहीं है, उन्होंने मुझसे कोर्स नहीं लिया, पर उन्होंने मुझे ये बात ज़रूर बताई गई है। और आपको भी ये सारी चीज़ों को अवेयर रहना है, आपको उनकी हिस्ट्री चेक करनी है। फिर से मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा कि वो एक्चुअल में अभी तक क्या कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो सिर्फ आपको सिर्फ आपसे पैसा लेना चाहते हैं, आपको ये कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग इस फील्ड से है ही नहीं। तो ये आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस वीडियो भी थी। आपको अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो प्लीज़ अवेयर हो जाइएगा और इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके उस फेसबुक के ग्रुप में है, व्हाट्सएप के ग्रुप में है, ताकि वो भी किसी के द्वारा ठगे जाने से बच जाए। बाकी आपकी मर्जी है, मार्केट 130 करोड़ हिंदुस्तान की जनता है, बाहर भी लोग रहते हैं, तो जिसका जो मन है वो खरीद सकता है। पर यही है कि आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तभी मैंने जो ये एज ग्रुप रखा था मेरा, मैंने 18 से 30 साल तक रखा था, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जाता है कि भाई मैंने 6 लाख का बिजनेस कर लिया। आपको कोई कॉल करेगा, आपके बोलेगा कि मेरे गुरु ने मेरे को ये, आपको अगर प्रॉफिट, भाई अगर आपको फ़ायदा हो गया तो आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ, आप मुझे कॉल करके क्यों बता रहे हैं? वो आपका गुरु मुझे कॉल करके बताएगा। पर यहाँ पे हम लोग झांसे में आ जाते हैं, आपको समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, इनकी पुरानी वीडियोज़ देखे जहाँ पे ये टिकटॉक से पैसे कैसे कमाए सिखाते थे, ये बहुत अच्छे हैं, टिकटॉक से पैसे कमाए जाते हैं, वहाँ आप इनसे टिकटॉक अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि जो टिकटॉक का हाल हुआ, इन लोगों का भी कुछ समय बाद ऐसा ही हाल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग अब बुरी तरीके से, आप बोल दीजिए, लोगों को अवेयरनेस आ गई है, लोग कॉल करके बताते हैं तो पता चलता है कि जो कि एक्चुअल बातें हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल के बारे में पता चला होगा और क्लाउड किचन कोच की के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।